दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिन का कौन सा समय है जब माँ सरस्वती आपकी मनोकामना पूरी करती है। साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जिनसे आपकी पुरानी से पुरानी मनोकामना भी जरूर पूरी हो सकती है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, आपने कई बार लोगों को ऐसा कहते सुना होगा कि हमेशा शुभ शुभ बोलना चाहिए और किसी के लिए बुरा नहीं कहना चाहिए। क्या पता उस वक्त आपकी जीभ पर माँ सरस्वती का वास हो और आपके मुंह से निकले शब्द सच हो जाएं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्या दिन भर में ऐसा कोई वक्त होता भी है जब हमारी जुबान पर माँ सरस्वती का वास होता है, यही जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के एक कथन के अनुसार ही ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का आवाहन किया और सरस्वती माता के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वाणी से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माँ सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ उससे सर्वप्रथम स शब्द फूट पड़ा। ये शब्द संगीत के सात सुरों में प्रथम सुर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मुख सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं को, सागर को, पशु पक्षियों और अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कल कल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती को वीणा की देवी के नाम से संबोधित करते हुए भागेश्वरी नाम दिया। दोस्तों, पुराणों में सरस्वती माँ को कमल पर बैठा दिखाया जाता है। कीचड़ में खिलने वाले कमल को कीचड़ स्पर्श तक नहीं कर पाता, इसीलिए कमल पर विराजमान माँ सरस्वती हमें ये संदेश देना चाहती है कि हमें चाहे कितना ही दूषित वातावरण में रहने को मिले, लेकिन हम खुद को इस तरह से बनाकर रखें कि बुराई हम पर प्रभाव न डाल सके। सनातन धर्म में माँ सरस्वती को वाणी की देवी कहा गया है और ऐसा कहा गया है कि 24 घंटों में एक बार वो हर व्यक्ति की जुबान पर आती है। इस दौरान बोला गया कोई भी वाक्य अथवा शब्द सच होता है। अक्सर घर में बड़े बुजुर्ग कुछ भी बुरा या अपशब्द बोलने से मना करते हैं। उनका मानना होता है कि कभी भी देवी सरस्वती जीप पर बैठ सकती है। जाने अनजाने बोली गई बातें सच भी साबित हो सकती है और दोस्तों, ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि प्रामाणिक सत्य है। किसी के बारे में कभी ना तो बुरा बोलें और ना ही सोचें। माँ सरस्वती कब जीप पर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मान्यता के अनुसार रात को 3:10 से लेकर 3:15 तक का समय सर्वोत्तम है। 5 मिनट के बीच बोली गई कोई भी बात अवश्य सिद्ध होती है। ऐसी मान्यता है कि अगर सरस्वती माँ का सच्चे मन से पूजन किया जाए तो वो भी अपने भक्तों पर जरूर प्रसन्न होती है और उन व्यक्ति को विद्या और बुद्धि की प्राप्ति जरूर होती है। तो चलिए अब आपको ये भी बता दें कि आखिर आप माँ सरस्वती को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखें। इसके बाद एक कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करें और इसके बाद माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान करवाइए। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाकर सरस्वती माता को सिंदूर और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। और कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा करने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आप पर अपनी कृपा करती है। दोस्तों, कई बार आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं होती है जिन्हें चाहकर भी आप पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में शास्त्रीय उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए इन उपाय को आप आसानी से कर सकते हैं। ये तुरंत असर दिखाने वाले उपाय हैं। हो सकता है 24 घंटे के अंदर ही आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तुलसी के पौधे को प्रतिदिन प्रातःकाल जल चढ़ाइए। इसके साथ ही संध्या काल में इसके नीचे मिट्टी के दिए में घी का दीपक भी अवश्य लगाइए। दीपक जलाते हुए भगवान विष्णु से अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इससे बहुत जल्द आपकी हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी। साथ ही आपने जिस भी विशेष प्रार्थना के साथ दीपक जलाया होगा वो भी अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा दौर आता है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, हमारा भाग्य भी साथ नहीं देता, सभी कार्यों में बाधा आती है, पैसों को लेकर घर में तंगी हो जाती है और ऑफिस में भी बॉस की काफी नाराजगी का आपको शिकार होना पड़ता है। इसे हम दुर्भाग्य कहने लगते हैं और मानकर बैठ जाते हैं कि किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। लेकिन आपके दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। इससे आपका बुरा समय अच्छे समय में परिवर्तित होगा और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपके घर में दरिद्रता पांव पसार कर बैठी हो और किस्मत साथ ना दे रही हो तो पानी भरे घड़े में राई के पत्ते डालकर इस जल को अभिमंत्रित करके जिस भी किसी व्यक्ति को स्नान कराया जाए उसकी दरिद्रता और शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। अब आपको बता दें कि आपको अभिमंत्रित कैसे करना है। आपको पानी में राई के पत्ते डालने के बाद 108 बार ओम शब्द का उच्चारण करना है। ये भगवान शिव का मंत्र है, दोस्तों सभी जानते ही है। 108 बार आपको ओम मंत्र का उच्चारण करना है और उसके बाद स्नान कराया जाए तो व्यक्ति के शरीर के दोस्तों सारे रोग भी दूर होंगे, दरिद्रता भी दूर होगी। दोस्तों, बरगद के पत्ते पर मनोकामना लिखकर किसी भी नदी या बहते जल में प्रवाहित करने पर हर मनोरथ बहुत जल्दी पूरी होती है। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा करते हुए कोई आपको टोके ना और किसी से इसका जिक्र भी ना करें।
नए सूती कपड़े में जटाधारी नारियल बांधकर बहते जल में प्रवाहित करने से भी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। सबसे बड़ी बात यह कि इच्छाएं पूरी होने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर जीवन में बहुत अधिक कलह और परेशानियां हों, इसके कारण आप ना अपने कामों पर ध्यान दे पा रहे हो और ना ही इन समस्याओं को हल कर पा रहे हो, तो भी ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। दोस्तों, अगर आपके काम लगातार बिगड़ रहे हों, तो सुबह घर से निकलते हुए हर दिन गाय को रोटी खिलाते हुए जाइए। इसके अलावा अगर घर से निकलने से पहले घर का हर सदस्य अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाए, तो उनके दिन भर के सभी कार्य पूर्ण होते हैं और घर में खुशहाली आती है। दोस्तों, मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाइए। आप ये उपाय किसी नदी या तालाब की मछलियों के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर खिलाना चाहिए। इसके अलावा अगर शुद्ध केसर को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दिया जाए, तो ऐसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। परिवार के हर सदस्य को अपने हर कार्य में सफलता मिलती है। पैसों की तंगी चल रही हो तो बरगद के पेड़ का एक पत्ता लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए और उसे पूजा स्थल, तिजोरी या किसी साफ और स्वच्छ जगह पर रख दें। इससे आप पर और आपके परिवार पर छाया दुर्भाग्य का साया दूर होगा और वो सौभाग्य में बदल जाएगा। भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर लगाएं। भगवान गणेश की पीठ में दरिद्रता का वास बताया गया है, इसलिए एक तरफ मूर्ति का होना घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य लाता है। इसलिए अगर आप मूर्ति या तस्वीर लगा रहे हैं तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगानी है। चलिए आपको बता दें किस तरह से। मान लीजिए अगर आपने बाहर की तरफ भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर आपने लगाई है अपने मुख्य द्वार पर, तो आपको मुख्य द्वार के अंदर की ओर ठीक उसी जगह पर दूसरी तस्वीर गणेश जी की लगानी है दोस्तों, ताकि दोनों तस्वीरों की पीठ आपस में मिले। इस तरह से आपको तस्वीर को लगाना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता नहीं आती और सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। इसके अलावा घर के पूजा घर में गणेश जी की प्रतिमा रख सके तो जरूर रखें और उस पर नियमित रूप से कम बुधवार को आप दुर्वा चढ़ाइए। अगर चाहते हैं कि आपके किए सभी कार्य हमेशा सफल हो, तो जितना संभव हो धन संबंधी सभी कार्य सोमवार या बुधवार को ही करें। किसी नए कार्य की शुरुआत या नौकरी आदि के लिए जा रहे हैं और घर की कोई भी महिला सदस्य है, उस व्यक्ति के ऊपर से एक मुट्ठी काली उड़द की उतार कर यानी वार कर 7 बार आपको ये वारना है और घड़ी की सुई की दिशा में वारना है। अगर जमीन पे फेंक दे तो वो कार्य अवश्य सफल होता है। घर में कभी भी धन की कमी ना हो और आर्थिक समस्याएं ना आए, इसके लिए जरूरतमंद गरीबों और किन्नरों को जितना संभव हो उतना दान करें। हो सके तो किन्नरों को दिए गए पैसों में से आप उनसे 1 रुपया वापस मांग लीजिए और अगर वो खुशी से आपको लौटा दे तो उसे आप अपने घर की तिजोरी में जरूर रखिए। इससे दिन दुगने रात चौगने तरक्की आपको देखने को मिलेगी। यदि कोई अपने दुश्मन को बर्बाद करना चाहता है तो दुश्मन का नाश करने का टोटका, उपाय या मंत्र द्वारा प्रयोग कर कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। जीवन में ना चाहते हुए भी शत्रु इकट्ठा हो जाते हैं। अगर आप समय रहते दुश्मन से बचने के उपाय नहीं करते तो आपको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप दुश्मन को तबाह करने के टोटके करते हैं तो आपको काफी हद तक उनसे छुटकारा मिल जाएगा। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में दोस्तों की संख्या ज्यादा हो और दुश्मनों की कम से कम हो, लेकिन कई बार जब आप अपनी जिंदगी में सफलता की उड़ान भरना शुरू करते हैं या कुछ नया या बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने अलग अलग तरह के शत्रु खड़े हो जाते हैं। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित न कर पाए तो आपको फिर से असफलता का सामना करना पड़ सकता है। कोई नहीं चाहता कि उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि ऐसा होगा तो उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाएगी। कई बार लोग आपकी तरक्की से जलन के कारण आपके दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको दुश्मन को तबाह करने के टोटके करने पर आसानी से समाधान मिल जाएगा। कई बार आप प्रयास करते हैं कि आपकी दुश्मन से सलाह हो जाए, लेकिन जिस व्यक्ति को आपकी तरक्की से परेशानी है वह सिर्फ थोड़े समय के लिए ही आपका साथ देता है। वह मुसीबत आने पर आपको ही तबाह करने की कोशिश करने लगता है। आपको ऐसे दुश्मनों से सावधान होने की जरूरत है। दुश्मन को तबाह या बर्बाद करने के टोटके में मंत्र के उच्चारण का विशेष महत्व है। आज मैं आपको ऐसा मंत्र बताऊंगी जिनसे आप दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। मंत्र है, नरसिंहाय विधये वज्रनखाय धी माहि तनो नरसिंह प्रचोदयात्। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मंत्र का प्रयोग सुबह सूरज निकलने से पहले करना चाहिए। अगर ये मंत्र शांत स्थान पर करें तो इसका असर जल्दी होता है। अगर इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते हैं तो शत्रुओं के द्वारा किया गया कोई भी अहित करने का प्रयास विफल हो जाएगा। अमावस्या या रविवार की रात को दुश्मन को तबाह करने के ये कुछ टोटके मैं आपको बताऊंगी जिन्हें आपको करना है।
इस दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठे। अब एक काले वस्त्र पर माँ काली के चित्र को स्थापित करें, पूजा करें। पूजा करने के बाद एक नींबू पर सिंदूर से अपने शत्रु का नाम लिख दें। बाकी बचे सिंदूर को सरसों के तेल में डालकर संकल्प लें। ऐसा करने के बाद एक रुद्राक्ष की माला लें और बताए जाने वाले मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है, क्रिम क्रिम शत्रु नाशिनी क्रिम क्रिम फट। ये मंत्र भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर बार माला के पूरे होने पर नींबू पर उड़द की दाल चढ़ाएं और माँ से प्रार्थना करें कि वे आपकी शत्रुओं के अहित करने के प्रयासों को नष्ट कर दें। मंत्र जाप समाप्त होने के बाद एक तांबे के लोटे या मटकी में उस नींबू को डाल दें और मटकी या लोटे को गड्ढा करके वहीं पर गाड़ दें। ऐसा करते हुए माँ काली से प्रार्थना करें कि वे शत्रु के नकारात्मक असर से आपकी रक्षा करें और उसके अहित करने के प्रयासों को असफल करें। ऐसा करने के बाद घर आ जाएं। ध्यान रहे, घर वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें और घर आकर आप स्नान कर लें। शत्रु को तबाह करने के टोटके में ये टोटका बहुत असरदार है। दुश्मन से बचने के उपाय में ये उपाय काफी सरल है। इस उपाय के अंतर्गत आपको साबुत काली उड़द की दाल के 38 बीज और साबुत चावल के 40 दाने लेने हैं। अब इन दानों को एक गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दें। अब जो व्यक्ति आपका दुश्मन है उसका नाम लेते हुए इस गड्ढे के ऊपर नींबू निचोड़ दें। ऐसा करने पर आपके शत्रु से अहित करने के सारे प्रयास असफल हो जाएंगे। शत्रु का नाश करने के लिए एक और चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से पहले ये बात याद रखें कि आप किसी का अहित करने के लिए इसे ना करें। इसे सिर्फ किसी शत्रु से छुटकारा पाने के लिए ही करें। इसके लिए शौचालय में वहां के पानी से शत्रु का नाम लिखें और उस पर बाएं पैर से 3 बार ठोकर मारें। ये दुश्मन को तबाह करने के टोटके में सबसे ज्यादा फलदायी है और आपके दुश्मन से आपको छुटकारा दिला सकता है। अगर आप अपने शत्रु के हरकतों से परेशान रहते हैं तो इस उपाय से आपको काफी राहत मिलेगी। इसके लिए एक मोर पंख लें। अब इस पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर लेकर इस पर शत्रु का नाम लिख दें। इस पंख को रात भर घर के मंदिर में रखें और सुबह बिना नहाए बहते पानी में इसे प्रवाहित कर दें। ये उपाय करने से आपका शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अकारण ही आपको परेशान कर रहा है तो आपको उससे छुटकारा पाने के लिए ये उपाय करना चाहिए। शनिवार के दिन रात के समय 7 लौंग लें और शत्रु का नाम लेते हुए उस पर 21 फूंक मारें तथा उसके बाद अगले दिन ये लौंग आग में जला दें। ये प्रयोग लगातार 7 बार करने पर आपको चमत्कारी लाभ दिखने को मिलेंगे। आप पर दुश्मन के सभी नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाएंगे और वह शांत हो जाएगा। इस प्रयोग में ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसे किसी का नुकसान करने के लिए ना करें। दुश्मन से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ काफी उपयोगी होता है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ काफी उपयोगी होता है। दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए घर के किसी कोने में अपना एक फटा पुराना जूता लटका दें और इसके तलवे पर दुश्मन का नाम लिख दें। इस दुश्मन को तबाह करने के टोटके से आपका दुश्मन आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं कर पाएगा और आपके सामने अपने हथियार डाल देगा। यह दिए गए दुश्मन को बर्बाद करने के टोटके काफी असरदार हैं। आप इनमें से किसी भी मंत्र या टोटके का इस्तेमाल कर अपने दुश्मन से मुक्ति पा सकते हैं। इन उपाय को करते समय आपको सलाह दी जाती है कि आप दुश्मन के नकारात्मक प्रभावों को नष्ट करने के लिए ही इनका प्रयोग करें। आप किसी दूसरे सामान्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको ही हानि उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।